जो भी कोई मुल्क करे, हमारा तो मौकफ बड़ा क्लियर है। और हमारा मौकफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में क्लियर कर दिया था, 1948 में, कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनों को उनका हक नहीं मिलता, उनको एक जस्ट सेटलमेंट नहीं होती। जो टू नेशन थियोरी थी पैलेस्टिनियन की, कि उनको पूरा एक उनकी स्टेट मिले जो कि पैलेस्टिनियन फैसला करें, ठीक है, जब तक वो नहीं होता, अगर हम वो तस्लीम कर लेते हैं तो हमें फिर कश्मीर का भी, हमें एग्जैक्टली सिचुएशन कश्मीर का है, तो हमें वो भी गिव अप करना जाना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान नहीं तस्लीम कर सकता इसराइल को। एक इंसान ने फैसला करना होता है कि मैं हमेशा समझता हूँ कि इंसान में और जानवर में फ़र्क होता है। जानवर जो आता है, खा लेता, पीता है, बच्चे पैदा करता है और चला जाता है। इंसान अल्लाह को जवाब दे। आप जब बात करते हैं इसराइल और फ़लस्तीन की, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम अल्लाह को जवाब देंगे कि वहाँ उन लोगों को जिनके ऊपर हर किस्म की ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिनके सारे हकूक लिए गए हैं, जिनको जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्या हम उनको अबैंडन कर सकते हैं? मेरा तो ये ज़मीर कभी भी नहीं मानेगा ये करने को। मैं तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता।